देश के छत्तीसगढ़ राज्य को प्राकृतिक रूप से संपन्न राज्य कहा जाता है। जल जंगल जमीन मतलब छत्तीसगढ़। हर तरीके से प्राकृतिक सुविधाओं से परिपूर्ण ये राज्य हर तरीके से कहा जा सकता है कि अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन जब गर्मी के दिन आते और जो बस्तर के इलाके हैं, अंदरूनी इलाके हैं, वहाँ पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाती है। पूरे गाँव-गाँव तक स्वच्छ जल मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत वहाँ पे पंप तो लगा दिए गए हैं, टंकियाँ भी बैठा दी गई हैं, और तो और जो नलकूप होते हैं, नल होते हैं यानी टोटी होती है, पाइपलाइन भी सब कुछ बिछ चुका है, लेकिन उसमें स्वच्छ जल पीने के लिए नहीं आते। ये किसकी कमजोरी है, किसकी जवाबदेही है, आप बताइए। लेकिन कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन है उसकी उदासीनता निकल कर सामने आती है। वजह ये है कि लोग वहाँ पर जब भी गर्मी बढ़ती, तड़प के माले लोगों का जब प्यास नहीं बुझता, तो लोग झरिया और कुएं के पानी को पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कोंडा गांव से एक ऐसी रिपोर्ट हमारे बीरज नाग की आई है, देखिए पूरी रिपोर्ट क्या है, किस तरीके से लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए झरिया का पानी का प्रयोग कर रहे हैं। वो झरिया का पानी कितने दिन का होगा, हो सकता है उसमें कोई जहरीला जानवर जाके गिर गया हो, और वही पानी पीने से, क्योंकि ऐसी तमाम खबरें आती हैं कि पीने के पानी की वजह से एक गाँव में इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोगों की तबीयत खराब हो गई, लगातार ऐसी खबरें आती हैं। शासन प्रशासन को इसको लेके पूरी तरीके से मुस्तैद होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ जल मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत करीब करीब पूरे देश में जो टोटियां होती हैं, जो उनके टैंक बनाए जाते हैं, टंकियां होती हैं, सब कुछ बैठा दिया गया है, लेकिन बस ज़रूरत है उसमें पानी की। तो शासन प्रशासन पूरी तरीके से ये कोशिश करे कि जल्द से जल्द उन टंकियों में पानी पहुँचे और टोटियों के रास्ते पानी आना शुरू हो, जिससे जो स्वच्छ जल है उसकी गुणवत्ता बनी रहे और जो स्वच्छ जल लोग पीना चाहते हैं वो उनको उपलब्ध हो सके, जिससे निरोग भारत की जो हम संकल्पना लेके चल रहे हैं वो संकल्पना परिपूर्ण हो। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोंडागांव जिले में गर्मी शुरू होते ही जिले में पेयजल का संकट गहराने लगा है। विशेषकर ग्रामीणांचलों में आए दिन पानी की मांग को लेकर ग्रामीण लोग अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जिले के ग्राम पंचायत जोगी आलवाड़ के आश्रित गाँव को हर बेड़ा गांव में पेयजल संकट से ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। पानी पीने के लिए ग्रामीण झरिया कुआं से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का सपना जिम्मेदारों की उदासीनता की वजह से अभी दूर की कौड़ी बना हुआ है। जिस गति से जिले में मिशन के तहत काम चल रहा है, उससे लगता है कि जिले में गाँव में कनेक्शन होने पर कई साल लगेंगे। लोगों के मुताबिक अभी तक गांव में मात्र 15 से 20 घरों तक ही नल कनेक्शन के जरिए पानी पहुंचा पाया है। इन्हीं गांवों में कार्य दावा कर विभाग के द्वारा डिडोरा पीट रहा है। कछुआ चाल की स्थिति से लगता है अभी लोगों को घर तक पानी मिलने में काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा। पानी की समस्या है। जो नल जल योजना से जो योजना आई हुई है गाँव में, 59 लाख का जो लगा हुआ है सोलर, घर घर में टोटी के लगा है, इसमें पानी बस नाम के लिए लगा दिए हैं टेंडर ठेकेदारी, लेकिन इसमें तो पानी आ ही नहीं रहा है। कई घर में ऐसा है कि पानी के कारण, तो यहाँ घर में नहीं आने के कारण जरिया पानी को पीना पड़ रहा है, नदी में जाते हैं नहाने, प्लस उसके और ऐसे घर में, कई घर में ऐसा है कि टोटी ही नहीं बना है। लगभग यहाँ पानी तो 15 से 20 घर में आता है, बाकी घर में तो आता ही नहीं है। 12 बजे आएगा, 15 मिनट आता है, उसके बाद बंद हो जाता है, और बाकी घर में तो आता ही नहीं है। उसके कारण नदी नाला में जाना पड़ता है जरिया पानी, जो पहले 2009-10 में जो जरिया पानी पीते थे वही अभी अपनाना पड़ रहा है। विभाग वाले तो आए नहीं सर, मौका तो नहीं मिला। जब चुनाव के टाइम आते हैं नेता पेता लोग, ऐसे लोगों को हम सूचना देते हैं और उन लोग भी बोलते हैं कि प्रयास करेंगे, कल भेजेंगे, आज भेजेंगे, बस उनका काम निपट गया सर चुनाव, तो बाकी आके जाग के नहीं देखते हैं। सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है। क्या है पानी में, क्या है, यहाँ जो बोरिंग है ना, बोरिंग में पानी निकल नहीं रहा है। यहाँ के लोग जो हैं पूरे नदी में जा रहे हैं, नदी सूख गया है यहाँ, उसके बाद कोई सुविधा है ही नहीं। और दूसरी बात, यहाँ जो नल जल योजना है वहाँ तो पानी नहीं आ रहा है, और 59 लाख का है, और ठेकेदारों को फोन लगा रहे हैं, भैया आज करो कल करो, वो आदमी अभी फोन ही नहीं उठा रहे हैं। नल जल योजना से केवल वहाँ टंकी बनाए और बाकी जो बना है ना, पानी का नामो निशान नहीं है, और एक PHC विभाग का पूरा जो वो है आपका है
हैंडपम्प। अब उसी में से ये लोग बोर डाल के मतलब वो किए हैं, और वो बोर भी सक्सेस नहीं है ना, वो पीएचई वाला जो हैंडपम्प है ना उसमें भी साला वंचित है अभी हम लोग पानी पीने के लिए। अभी साला झरिया और कहाँ कहाँ का पानी को पी रहे हैं, ऐसे नहाने के लिए तो बहुत दिक्कत, पीने के लिए तो 2-3 बाल्टी निकल जाता है कहीं कहीं बस, उसके बाद तो बहुत ही दुर्गति है यहाँ का। इसको मैं संज्ञान में ले लेता हूँ, तो मैं खुद से बताऊंगा, कल आप पूछोगे मैं यही बता पाऊंगा ना क्या इश्यू है, ठीक है ना, मैं इश्यू से बात करूंगा।